हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे तुरंत मैसेज करना। ओके, आई होप आपके पास नोटबुक पेन है, आप आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है, आने वाले 3 सेशन, कमिंग नेक्स्ट 3 लेक्चर, विल बी ऑन सेमीकंडक्टर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं कोई थ्योरी डिटेल एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। गंभीर सर जो सेमीकंडक्टर का पार्ट बाकी है वो कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले कुछ 3-4 दिनों में सेमीकंडक्टर का पार्ट थियोरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाने वाला हूँ सेमीकंडक्टर, और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? मुझे पता है पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, आधा चैप्टर हो चुका है, थोड़ा बहुत हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, लॉजिक गेट। प्लीज गिव द टाइटल लॉजिक गेट, है ना? लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे हम। यही सेम टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में भी है, सेम टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में भी है। तो आपको ये दोनों, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, दोनों में हेल्प करेगा। ओके, तो पहले लॉजिक होता क्या है वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज लॉजिक? सी, द लॉजिकल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1 ओनली। लॉजिक में ना हो सकता है, ऐसी बात नहीं होती, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से होते। और ये जो नंबर है, लॉजिक नंबर जो है, वो 2 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला डिजिट है 0, दूसरा डिजिट है 1। याद रहेगा कितने डिजिट है? 2 ही डिजिट इस्तेमाल करना है आपको, कोई भी डेसिमल नंबर इस्तेमाल नहीं करना है। कितने डिजिट इस्तेमाल करना है? सिर्फ 2, 0 और 1। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देर आर ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1। ओके, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? वी आर गोइंग टू यूज 0 एंड 1 नंबर फॉर बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक गेट्स। इट क्लियर? और कोई भी हम नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं करना है, सिर्फ 0 एंड 1, क्योंकि ये बाइनरी, बाइनरी यानी कितने? 2, 0 और 1। चलो, बहुत बार बता दिया मैंने 0 और 1 के बारे में। अब यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा? यहाँ पे देखो, 0 यानी लो, है ना, 1 यानी हाई, याद रहेगा? तो इसमें 2 ही स्टेजेस है, 0 यानी लो, हाई यानी 1। इज दैट क्लियर? तो जहां पे वैल्यू कम है उसे 0 से रिप्रेजेंट करना है, जहां पे वैल्यू हाई है उसे 1 से रिप्रेजेंट करना है। तो ये होता है बाइनरी सिस्टम, 0 एंड 1 कॉम्बिनेशन। अगर समझ में आ चुका है, पॉइंट समझ में आ चुका है तो मुझे बताओ, ताकि मैं अगले स्लाइड पे जा सकूं, लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस कर सके। डिजिटल समझ में आ चुका है? डिजिटल यानी 0 एंड 1 ओनली। वहां पे पॉसिबिलिटी है एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इज दैट क्लियर? ओके ओके फाइन। अब कुछ छोटे से सवाल। ओके, देखो ध्यान देना, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूं। अगर 0 और 1 है तो इसका मैथमेटिक्स कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे बताएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? डाउट ही नहीं होगा, सबको पता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, करेक्ट है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, चलो बताओ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0। ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चेंज एडिशन में मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन इज क्लियर, मल्टीप्लीकेशन इज क्लियर, राइट? अब एडिशन में देखो, ध्यान देना, यस, एडिशन में ध्यान देना। देखो 0 प्लस 0, लो वैल्यू में लो वैल्यू को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0, करेक्ट है? अब 0 प्लस 1, लो वैल्यू में हाई वैल्यू ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। 1 प्लस 0, 1,
अब मुझे बताओ ये थोड़ा सा चेंज है, 1 + 1 क्या आएगा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम सब ये देख रहे थे, 1 + 1 क्या आंसर होगा, सोच के बताना। एग्जैक्टली 1 + 1 1 ही होता है। कोई कह सकता है सर 2 क्यों नहीं लिखा, कोई कह सकता है 2 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा 2, डिजिटल सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 ही इस्तेमाल करते हैं, तो हायर वैल्यू में हायर वैल्यू ऐड करने के बाद लोअर थोड़ी आएगा, हायर ही आएगा ना, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू इज 1, सो 1 + 1 विल बी 1 फॉर बुलियन अलजेब्रा, इज इट क्लियर, ये पॉइंट याद रहेगा, 1 + 1 बुलियन अलजेब्रा के लिए कितना होता है 1, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन, बेसिक्स ऑफ लॉजिक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, गुड गुड वेरी गुड, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे ये सब छोड़ देते हैं। अब लॉजिक होता क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो, दिक्कत ये आती है कि सर ये असलम का सवाल हो सकता है, सर ये लॉजिक गेट कहाँ पे इस्तेमाल करें, हो सकता है ये पहला सवाल आ जाए, है ना, लॉजिक गेट का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो इमेजिन करो कि ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये सिग्नल है, सिग्नल सिग्नल पता है ना, एक मेट्रो सिटी में वगैरह सिग्नल सिस्टम होती है ना, तो कुछ इस तरह से एक कॉर्नर है जहाँ पे सिग्नल सिस्टम इस्तेमाल की जा रही है, ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सबका ध्यान है, सोचो यहाँ पे एक व्हीकल है, इस तरफ भी एक व्हीकल है और यहाँ पे व्हीकल है, इसके सामने बिल्कुल सामने रेड कलर दिखाई दे रहा है और इसके सामने बिल्कुल ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो हमें तो पता है जिसे ग्रीन कलर दिखाई देगा वो व्हीकल आगे चली जाएगी, जिसे रेड कलर दिखाई दे रहा है वो व्हीकल रुकेगी, क्या ये सही है, तो व्हीकल रुकती है या हम रुकते हैं, व्हीकल रुकती है या हम रुकते हैं, ऑटोमेटिकली व्हीकल नहीं रुकती ना, हम ब्रेक दबाते हैं रुकते हैं, क्योंकि हमने एक लॉ फॉलो किया, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है ना, एक रूल फॉलो किया है कि रेड होगा तो नहीं जाएंगे, ग्रीन होगा तब जाएंगे, इसे कहते हैं लॉजिक, ये लॉजिकल है, कोई वहां पे चिल्ला के बताता नहीं है ये रेड कलर है, रेड कलर मतलब रुकना है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर मतलब जाना है, कोई बताता नहीं है, हम सब फॉलो करते हैं लॉजिकली, हमको ये सब पता है, इज इट क्लियर, ये बात क्लियर है सबको, अब समझ में आ रहा है, तो ऐसे सिग्नल सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में जहां जहां ऑपरेशन होता है, ये होने के बाद ये होगा, ऐसे होने के बाद वैसे होगा, तो वहां पे हम लोग लॉजिक गेट इस्तेमाल करते हैं, अगर समझ में आ चुका है तो मुझे बताओ, है ना, ऑटोमेशन जहां पे होता है ना, खास करके ऑटोमेटिक चीजें जहां पे होती है वहां पे लॉजिकल गेट का इस्तेमाल किया जाता है। चले ये तो बहुत ही बेसिक पार्ट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉजिक गेट है कौन से, ओके, तो इतने सारे टाइप्स है लॉजिक गेट के, एक दिन में सब पता नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा, सिर्फ इसका अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना है, क्या लेना है इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये इमेज आ जाए, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट, अदर गेट सब आपके सिलेबस में है, धीरे धीरे सीखेंगे हम, क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आप आगे बढ़ता हूं, चलो पहला गेट बता देता हूं आपको, कोई भी गेट ध्यान देना, कोई भी गेट हो तो गेट में कौन सी चीजें सीखनी है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिंबल दिखाई दे रहा है सबको, सिंबल है ना, ध्यान यहीं पे होना चाहिए, बस यहीं पे सबसे पहले क्या सीखना है, उसका सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल और उसका इक्वेशन, जिसे ये तीनों चीजें पता है वो सीईटी के सवाल सॉल्व कर सकता है, मैं रिपीट करता हूं, सिंबल, ट्रुथ टेबल और इक्वेशन, बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, हो जाएंगे पता, इजीली हो जाएंगे, अभी हम 40 मिनट में वही करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं 40 मिनट में वही करने वाले हैं, कोशिश करें, चलिए ट्राई करते हैं, तो पहला गेट जो है उसका नाम है नॉट गेट, क्या नाम है उसका, गेट का नाम क्या है, नॉट गेट नाम है उसका, आसान है, सिंबल, सिंबल दिखाई दे रहा होगा सबको, सिंबल दिखाई दे रहा है सबको, देखो एक ट्रायंगल, उसके सामने ये सर्कल, इस सर्कल को आज से हम कहेंगे बबल, क्या कहना है इसे,
इस सर्कल को आज से क्या कहना है, बबल। ओके, तो नॉट गेट का सिंबल फिर से एक ट्रायंगल आगे बबल बन गया नॉट गेट। आसान है, एक ट्रायंगल और एक बबल, क्या बनेगा ये, नॉट गेट। इज इट क्लियर? नाउ फंक्शन ऑफ नॉट गेट क्या है, ये नॉट गेट करता क्या है? ये एग्जैक्टली आपकी तरह करता है। आपको बोला गया लिखो मत तो लिखेगा, आपको बोला गया कि देखो यहाँ पे तो लिखना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब यहाँ पे अगर हम जीरो देंगे तो वो हमें आउटपुट बताएगा वन। एग्जैक्टली अपोजिट, तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम वन बताएंगे इनपुट में तो आउटपुट में क्या बताएगा वो? हमेशा आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड इनपुट होती है, राइट हैंड साइड आउटपुट होती है, तो ऑब्वियसली ये जीरो बताएगा। तो क्या आपको नॉट गेट समझ में आ चुका है? नॉट गेट इज व्हाट? इट इज कॉम्प्लीमेंट, जो बताएगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट करेगा। जीरो होगा तो वन, वन होगा तो जीरो। इज इट क्लियर? आसान है, नॉट गेट का फंक्शन आसान है, जीरो देंगे तो वन, वन कहेंगे तो जीरो। सही है, गुड गुड गुड। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब मैं सवाल पूछता हूं आपको, ध्यान देना, ध्यान देना। ये उसका इक्वेशन है दोस्तों, ये उसका इक्वेशन है। कैसे है देखो, सी ये उसका आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू ए, और ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है ना, दैट लाइन इंडिकेट कॉम्प्लीमेंट। लाइन क्या इंडिकेट करती है? कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट गेट। इस लाइन से पता चलता है कि हमने उसे इन्वर्ट किया है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, नॉट गेट कर दिया, राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप उसका आंसर बताओगे। देखो मैंने एक नॉट गेट ले लिया, उसके आगे और एक नॉट गेट, और यहां पे ना इनपुट वन है, यहाँ पे इनपुट कितना है, वन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट वाई, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट वाई, सोच के बताओ, सोच के बताना है। चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, पहले बताओ। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये पहला नॉट गेट है ना, इस नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा, इस नॉट गेट, फर्स्ट नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो सेकंड का इनपुट है, नाउ दिस जीरो इज इनपुट फॉर द सेकंड गेट, अगेन योर आउटपुट विल बी वन। समझ में आ चुका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नॉट गेट। अब यहाँ पे टेबल देखो, जीरो देने के बाद वन देगा, वन देने के बाद जीरो देगा, ये टेबल याद रखना है, हमें दिमाग में फिट कर लेना है। कंफर्म, फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है नॉट गेट के लिए? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीटेड, सिर्फ स्क्रीनशॉट होने के बाद थंब देना है मुझे, ताकि मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा सकूं। चलिए अब दूसरा गेट है, अब दूसरा गेट है एंड गेट। कौन सा गेट है? एंड गेट, एंड गेट, राइट? अब थोड़ा सोचते हैं एंड गेट होता क्या है। एक बात बताना भूल गया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी गेट है ना, जितने भी सारे गेट है, उनको इनपुट एक या फिर दो, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है डिपेंड अपॉन गेट, पर जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा एक ही होता है, मतलब आउटपुट साइड हमेशा एक ही वायर होगी। ये देखो आउटपुट कौन सा है इसमें से, ये आउटपुट है ना, तो यहाँ पे एक ही होगा, आउटपुट हमेशा एक होगा। दुनिया में कोई भी गेट हो, आउटपुट कितना होगा, एक। इनपुट चेंज हो सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, चेंज हो सकते, वो डिपेंड करेगा गेट पे, उस गेट के लिए कितने पॉसिबल है, पर आउटपुट हमेशा एक ही होगा। अब बात करते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट बहुत ही सिंपल गेट है, ज्यादा करने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है, ध्यान दो, मैं बताता हूँ एंड गेट को समझना कैसे है। ओके, एंड गेट को कैसे समझना है, बस आपको याद रखना है मल्टीप्लीकेशन। क्या याद रखना है? मल्टीप्लीकेशन। चलो देखते हैं, अगर ए जीरो है और बी जीरो है तो आउटपुट क्या होगा, करो मल्टीप्लीकेशन और आंसर बताओ। इफ ए इज जीरो
B is 0, what will be the output? Yes. If A is 0, B is 0, what will be the output for AND gate? Exactly. 0. Now, listen carefully. If A is 1, ab batao. If A is 1, B is 0, then output? Again 0. Arey, multiplication, padapad. बस दो चार लोग रिप्लाई दे रहे, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ए वन है, बी जीरो है, आउटपुट कितना आएगा? जीरो. आउटपुट कितना आएगा? जीरो. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस यहां पर लिखता हूं, देखो, ए जीरो बी वन. अब बताओ, ए जीरो बी वन, आउटपुट कितना होगा? अगेन जीरो. नाउ द लास्ट केस, A is 1, B is 1, what will be the output? A is 1, B is 1, what will be the output? हो गया AND gate. बस यही है AND gate. अब आप बोलोगे इसको याद कैसे रखे, ये तो मल्टीप्लीकेशन से तो याद रह जाएगा. एक लॉजिक बताता हूँ आपको, देखो ध्यान देना, लॉजिक बताता हूँ. मान लो हमारे इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एक गेट है, इंस्टीट्यूट को गेट है ना हमारे यहाँ पे, ये गेट है इंस्टीट्यूट का. अब गेट ऐसे बनाया गया है, देखो ध्यान देना, गेट ऐसे बनाया गया है कि क्लास में दो स्टूडेंट है, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी. तो एंड गेट के हिसाब से ये गेट कब खुलेगा? एंड गेट के हिसाब से ये गेट कब खुलेगा? जब दोनों प्रेजेंट होंगे, जब दोनों वन होंगे, वन वन, दोनों प्रेजेंट मतलब वन, तब गेट खुलेगा. समझ में आ रहा है? अगर कोई एक आदमी आएगा तो गेट नहीं खुलेगा, दोनों में से कोई भी नहीं आए तब भी गेट नहीं खुलेगा, जब दोनों आएंगे तब गेट खुलेगा. आपने ऐसा कहीं लॉजिक देखा है कि जब दो पर्सन आएंगे तब गेट खुलेगा? ऐसे कहीं देखा है आपने? चलो बताओ जल्दी, कहां पे देखा है? कहां पे? मूवी में. अच्छा, और एक मैं जगह बताऊं, और एक दुकान में, अभी लॉकडाउन के टाइम लॉकर देखे, बैंक लॉकर, आपके बैंक लॉकर होते हैं ना, बैंक लॉकर, उसमें दो चाबियां होती है, एक चाबी होती है आपके पास और एक चाबी होती है बैंक वालों के पास. जब दोनों चाबी लगाई जाती है ना तो वो लॉकर खुलता है, एक चाबी से कभी नहीं खुलता, चाहे तो घर पे पूछ लेना बात में. लॉकर जो होता है ना, लॉकर, बैंक का लॉकर, बैंक में लॉकर होता है, पता है कि नहीं? बैंक में लॉकर होता है, हम सेफ्टी के लिए कुछ चीजें रखते हैं वहां पे. तो वो जो लॉकर होता है ना, वो दो चाबी से खुलता है, एक चाबी से नहीं खुलता. इज दैट क्लियर? वो तो मैनुअल एंड गेट हो गया, लॉजिकली तो एंड गेट ही है ना वो. व्हेन टू पीपल आर प्रेजेंट, आउटपुट विल बी वन. समझ में आ चुका है? करेक्ट. अब समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड गेट क्लियर है. अब उसका सिंबल देख लो एक बार, कैसे है सिंबल? कैसे है? कुछ इस तरह से है ना, ऐसे सिंबल है, इस तरह से सिंबल है. और ये ट्रुथ टेबल एक बार चेक करो, खुद से चेक करो ट्रुथ टेबल. ए जीरो बी जीरो, आउटपुट कितना आएगा? जीरो. ए वन बी वन, आउटपुट कितना आएगा? जीरो. ए वन B zero, output कितना आएगा? Zero. यहाँ पे भी clear है. और equation कैसे लिखा जाता है? Y is equal to A dot B. कैसे लिखेंगे हम? Y is equal to A dot देना है, dot, सिर्फ dot, dot यानी multiplication. That's it. मुझे लगता है ये पार्ट हो चुका है, सबको समझ में आ चुका है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है और आगे बढ़ना है. जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ना है. आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. चलो आगे, ये कौन सा गेट है? आगे गेट कौन सा है? और गेट. हाँ, ध्यान देना, आगे गेट कौन सा है? और गेट. और गेट यानी एडिशन. क्या होती है? और गेट यानी एडिशन. तो कर लो एडिशन. आंसर बताओ. जीरो 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 जीरो, जल्दी बोलो.
जीरो, अरे जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं, वन जीरो, चलो बताओ वन जीरो, अगर ए वन है और बी जीरो है और कितना आएगा वन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बताओ यहां पे जीरो ये वन, अब बताओ ये भी तो वन आएगा, एडिशन करना है ना। नाउ द लास्ट केस वन एंड वन, आंसर टू आएगा, करेक्ट है। आंसर टू आएगा, करेक्ट है। यस, टू नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था टू होता ही नहीं है, वन प्लस वन विल बी वन, वन प्लस वन विल बी वन। चलो अब वापस हमारे इंस्टीट्यूट के गेट के तरफ आते हैं। चलो लोग कितने हैं, कितने पर्सन हैं, दो पर्सन हैं। गेट कब खुलेगा बताओ मुझे, गेट कब खुलेगा बताओ मुझे, यहाँ पे देख के, यहाँ पे बताओ गेट कब खुलेगा, इंस्टीट्यूट का गेट कब खुलेगा, दोनों प्रेजेंट या एक प्रेजेंट पे भी खुलने वाला है, दोनों प्रेजेंट या एक पर्सन, हाँ एक पर्सन प्रेजेंट हो या दो पर्सन प्रेजेंट हो, कोई भी प्रेजेंट है तो गेट खुलेगा, कोई भी पर्सन प्रेजेंट हो तो, दो प्रेजेंट हो, एक प्रेजेंट हो, कोई भी प्रेजेंट हो, अगर कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो दरवाजा नहीं खुलेगा। इज दैट क्लियर? चलो और गेट का स्क्रीनशॉट ले लो, और गेट का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और गेट का स्क्रीनशॉट जल्दी। स्क्रीनशॉट सिर्फ इसका लेना है। आगे बढ़ता हूं मैं, अब बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर ये तीन गेट हो चुके हैं ना, बाकी के गेट आसान है, बाकी के गेट आसान है। चलो बात करते हैं उनके बारे में, चलिए बात करते हैं। आगे का गेट है कौन सा है, नॉर गेट, बस और को कॉम्प्लीमेंट कर दो बन जाएगा नॉर, ध्यान से सुनो मेरी बात, और के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब उल्टा कर देना, बनेगा नॉर गेट। इज इट क्लियर? और के आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये और गेट है, ये और गेट है, उसके सामने एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया तो बन गया ना कॉम्प्लीमेंट, तो बन गया ना कॉम्प्लीमेंट, बस यही बात है। चलो मुझे बताओ वन जीरो इसके लिए पूरे सर्किट का आउटपुट क्या होगा, मतलब नॉर गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर वन एंड जीरो, सोच के बताना। देखो ए तो वन है, बी जीरो है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे बताओ आउटपुट कितना आएगा, वन, बोलो सही है। अरे पहले और गेट का बताओ, और गेट का आउटपुट आएगा वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट यानी जीरो, चेक करके देखो यहाँ पे मिला, ये मिल गया, अब समझ में आ चुका है। वैसे ही हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करो, नॉर गेट के लिए इसी तरह से हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करो फटाफट जल्दी, चेक करके देखो, ये उसका सिंबल है, ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, हम लिखते हैं ना और के लिए क्या लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर देना है, जब आप कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो बन जाएगा ये नॉर गेट। आप आउटपुट चेक करो एग्जैक्टली और के अपोजिट है, एग्जैक्टली और के अपोजिट है कि नहीं, एग्जैक्टली और के अपोजिट है, हाँ। तो वन प्लस वन, देखो ध्यान दो, वन वन यहां पे आएगा वन, पर आगे कॉम्प्लीमेंट है ना, तब ये जीरो हो जाएगा, सही है क्या, मैंने आंसर दिया आपके क्वेश्चन का, सर वन प्लस वन एक क्यों होता है, यस वन प्लस वन एक क्यों होता है, ये सवाल है, कोई बताएगा इसका आंसर,
क्योंकि लॉजिक सिस्टम वर्क होती है सिर्फ बाइनरी नंबर में, और बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट है, कितने डिजिट है, दो ही, जीरो एंड वन। इसीलिए वन में वन ऐड करोगे, हायर वैल्यू में हायर वैल्यू, आंसर हायर वैल्यू आएगी। दो नहीं लिख सकते क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, डेसिमल में दस डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाइनरी नंबर। डिजिटल सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये डिजिट्स है, जीरो या फिर वन, एक तो हाई होगा या फिर लो होगा, दैट्स इट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट गेट व्हिच इज एंड के अपोजिट, मतलब नैंड गेट। एंड के अपोजिट मतलब क्या बनेगा, ये नैंड गेट। चलो कोशिश करके बताओ, चलो कोशिश करो, देखो क्या आउटपुट सही आ रहा है, क्या जो टेबल लिखा है वो सही है। देखो ए जीरो है, बी जीरो है, देखे देखो ए जीरो बी जीरो, आउटपुट कितना मिलेगा, ए जीरो बी जीरो। एंड गेट का आउटपुट कितना होगा, चलो बताओ, जीरो। तो जीरो का वापस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आउटपुट आएगा वन, जीरो का कॉम्प्लीमेंट करो आउटपुट मिल जाएगा वन। और ये उसका सिंबल है, किसका सिंबल है, ये सिंबल किसका है, नैंड गेट का सिंबल है। टेबल कैसे बनेगा, सॉरी इक्वेशन कैसे बनेगा, ए डॉट बी, ये तो बन गया एंड, और उसके ऊपर एक लाइन, मतलब ये बन गया नैंड गेट। ये क्या बन गया, नैंड गेट। लाइन को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ये उसका सिंबल है, ये उसका सिंबल। आपको ये सभी गेट एक एक बार रिवाइज करना है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेंगे, एक बार याद रह गए तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, नैंड गेट। अब एक ही गेट बाकी है, उसके बाद हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आज हम सवाल सॉल्व करेंगे, कल होगा ट्रांजिस्टर और परसों कॉम्बिनेशन के सवाल होंगे। ओके, नाउ द लास्ट गेट, नाउ द लास्ट गेट व्हिच इज, कौन सा गेट है, ये गेट कौन सा है, एक्स और, ये कुछ अलग है मैं बता दूं, एक्स और गेट थोड़ा अलग है। इसका सिंबल देखो कैसे, पहले तो और गेट ड्रॉ करो, उसके वापस एक लाइन, और फिर ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका सिंबल है और गेट, एक्स और गेट का। ये फंक्शन कैसे करता है वो मैं बता दूं, व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ वन आर प्रेजेंट, सेंटेंस ध्यान से सुनो, व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ वन आर प्रेजेंट इन इनपुट आउटपुट विल बी वन। ध्यान देके बताओ, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, वन कितने प्रेजेंट है, वन, वन कितने है, एक भी नहीं है, वन एक भी नहीं, मतलब आउटपुट आएगा जीरो। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, दोनों में मिला के वन कितने, काउंट करके बताओ, काउंट करके दोनों में वन कितने हैं, वन कितने हैं, एक, मतलब आउटपुट आएगा वन। ऑड नंबर्स ऑफ वन, आउटपुट फिर भी वन, एक नंबर ऑड है ना। अब बताओ यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, क्या ये ऑड कॉम्बिनेशन है, वेदर इट इज ऑड कॉम्बिनेशन, क्या ये ऑड कॉम्बिनेशन है, नो, इवन है ना, एक और एक दो बन गए ना, दो मतलब काउंट दो, इसका आउटपुट आएगा जीरो। बस हो गया, ये XOR गेट, ऐसे याद रखना है, XOR गेट, XOR गेट को ऐसे याद रखना है। इसका एक फोटो ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि सभी गेट कंप्लीट हो जाते हैं यहां पे। अब हम जाते हैं रिवीजन की तरफ, ये सिलेबस में है, दोनों बैच के लिए सिलेबस में है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सुनो सवाल बता दूं आपको मैं,
करना क्या है मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान दो देखो ध्यान दो, ए और बी इनपुट है, ध्यान दो, ए और बी इनपुट है और ये उनके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स है अलग 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 अलग, ओके। तो मुझे बताओ ये कौन सा गेट है, ये किस गेट का आउटपुट है, सोच के बताओ। कैसे देखना है मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, जीरो जीरो के लिए जीरो, जीरो वन के लिए जीरो, वन जीरो के लिए जीरो, वन वन के लिए वन, तो ये कौन सा गेट है। चलो सीधी का आंसर आ चुका है, एंड गेट, करेक्ट है। तो ये गेट कौन सा बनेगा, एंड गेट, बराबर है, एंड गेट, कोई दिक्कत। आगे बताओ, आगे बताओ, उसी तरह से जीरो जीरो के लिए जीरो, जीरो वन के लिए वन, वन जीरो के लिए वन, वन वन के लिए वन, तो ये गेट कौन सा है, ये गेट कौन सा है, रिवीजन चालू है अभी, ये गेट कौन सा है। एग्जैक्टली ये गेट है, और गेट इनपुट वही रहेंगे, इनपुट कॉम्बिनेशन वही रहेगा। आगे बताओ, चलो इसके लिए जीरो जीरो के लिए वन, वन जीरो के लिए वन, वन जीरो के लिए वन, वन वन के लिए जीरो, ये कौन सा गेट है, ये गेट कौन सा है। करेक्ट करेक्ट, चलो आगे बताओ, नाउ नेक्स्ट गेट, ये कौन सा है, ये कौन सा गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर है, नॉर, करेक्ट, नॉर गेट है, 1000 नॉर गेट है वो। और ये लास्ट कौन सा है, लास्ट वन, ये कौन सा है, यस एग्जैक्टली एक्स और। अब सब कुछ क्लियर है गेट के बारे में, सब कुछ क्लियर है, देखो चेक कर लो, एक ही स्लाइड में सब कुछ दिया है मैंने, एक ही स्लाइड में सब कुछ है आपके। इसका एक स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। अब हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही सेकंड देना मुझे। एक्सनॉर बोर्ड सिलेबस में नहीं है, एक्सनॉर बोर्ड सिलेबस में नहीं है, स्टार्ट करें क्वेश्चन सीरीज, स्टार्ट करते हैं आज के, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक से आपको सिर्फ आंसर बताना है, कोशिश करो आंसर मिलेगा, आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम का सवाल है ये, अब ईयर मुझे याद नहीं पर ये एग्जाम का सवाल है, एमएसटी सीईटी का सवाल है ये। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे तो सर ने पढ़ाया नहीं, मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान दो, ये ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जीरो, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, मुझे कैसे पता चला, अरे ग्राउंड लाइन पे है ना, ग्राउंड लाइन पे जीरो, हाइट पे वन है ना, तो यहाँ पे आउटपुट कितना है, जीरो, देखो रिस्पेक्टिव वैल्यू तो लिखो पहले, ये वन है ये जीरो है, तब आंसर कितना है वन, अब यहाँ पे वन यहाँ पे भी वन, तब आउटपुट है वन, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन यहाँ पे वन, आगे देखो ये जीरो ये भी जीरो, सही है, ये वन ये जीरो ये वन, वापस ये जीरो ये वन, तो क्या लग रहा है ये कौन सा गेट है, चेक करके देखो, जीरो जीरो के वक्त जीरो, वन जीरो के वक्त वन, वन वन के वक्त भी वन, जीरो वन के वक्त वन, एग्जैक्टली ये मैंने 10 वैल्यू कैसे लिखी पता है ना,
आपको पता चल चुका है कि ये 10 कैसे लिखा है मैंने, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। और गेट, ये और गेट है, एडिशन हो रहा है, देखो ना दो ऐड करके देखो आंसर मिल रहा है 0001 0011 0011 0011 0011। तो ये तो और गेट बना ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यस, एमएसटी सीईटी 2015, सोच समझ के जवाब देना। विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस अ लो आउटपुट, लो आउटपुट मतलब जीरो, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। आपको बोला गया है कि आउटपुट उसका जीरो आना चाहिए, कब? अरे यार सोच के देखो, सवाल तो समझो, सुनो सुनो सुनो, सवाल 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 फिर से सवाल सार्थक सवाल। विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस अ लो आउटपुट, मतलब आउटपुट आएगा जीरो, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। चलिए नॉर गेट बोल रहे बहुत से लोग, तो देखते हैं 0001 10 11। मुझे बताओ इसमें आउटपुट क्या होगा, नॉर गेट के लिए आउटपुट बताओ। और का अपोजिट मतलब ये होगा 1, ये कितना होगा 01, बताओ मुझे 01 01 बताओ। यस, और का आउटपुट होगा 1, पर ये कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, आगे बताओ। ये 1 मतलब ये आएगा 0, ये 1 मतलब आएगा 0, सही है। तो सवाल देखो, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। दोनों में से कोई भी एक अगर लो हो, हाई हो जाता है तब आउटपुट जीरो आएगा, ऐसी कॉम्बिनेशन यही है, सही है। देखो हाई होने के बाद आउटपुट जीरो आ रहा है, तो ये कौन सा गेट बना, नॉर गेट, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। एक सवाल होमवर्क के लिए, एक सवाल होमवर्क के लिए, आप इसके नोट्स प्रिपेयर करके मुझे दिखाओगे सभी लॉजिक गेट। आपको ये बोर्ड में लॉजिक गेट में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिंपल एकदम एक्सप्लेन किया मैंने, लॉजिक गेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब ये लॉजिक गेट क्लियर है आपको, मैथमेटिक्स में भी हो चुका होगा। हाँ, ये सवाल आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। हाँ, ये सवाल होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जुलाई 17 में एग्जाम में आ चुका है, मुझे आंसर सेंड कर देना इसका, इसका आंसर सेंड कर देना ग्रुप पे क्वेश्चन, और उसके ऊपर टिक मार्क करके भेज देना। तो दोस्तों टाइम तो हो चुका है, टाइम तो हो चुका है, 40 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला आपको, पता चला 40 मिनट पता चले। तो कोशिश करो घर पे इसे सॉल्व करने की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को, इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी पॉइंट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और सेमीकंडक्टर 3 सेशन में आने वाले सीईटी कवर कर देंगे। मुझे लगता है लोगों ने आंसर देना चालू कर दिया है, और साहिल का आंसर है और बी, लॉजिक गेट विच प्रोड्यूसेस लो आउटपुट व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई produces high output only when all the inputs are low। देखो सोच के बताना, कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। नॉर या और, सोच के देखो, मयूरेश वीडियो बंद कर पड़ा, चांस होपलेस,
पर्सनल ऑफ प्लस बड़ा दूर ओके चलो ठीक है विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।